और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं, जहां वो सीए के तहत 128 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र देंगे। इनमें सुरेंद्रनगर जिले के मूली तहसील के सरला गांव के वो 22 लोग भी हैं जो कई साल पहले भारत आए थे। नागरिकता मिलने की खबर के बाद उन परिवारों में उल्लास का माहौल है। अहमदाबाद दौरे से पहले अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अहमदाबाद में भारत आए हमारे शरणार्थी भाई बहनों को सीए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए शरणार्थी जो दशकों से अन्याय का सामना कर रहे थे, उन्हें मोदी सरकार सीए के तहत नागरिकता दे रही है। इससे वो सम्मान के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। सीए के तहत नागरिकता देने का यह पहला कार्यक्रम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत आए थे। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। अपने इस दौरे में शाह 1000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।